हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती है, गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाता है। दान करने से धन तो जाता है पर लक्ष्मी नहीं जाती। किसी की तलाश में कभी मत निकलना, क्योंकि लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वो सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पहले कमाना सीख ले। इंसान टूटकर बिखर ही जाता है जब दूरियां भी बेहद हो और मिलने की उम्मीद भी ना हो। लड़की खूबसूरत और लड़का अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और अगर हमारा प्यार ही रूठ जाए तो हर बात बुरी लगती है। क्या शिकवा, क्या उम्मीद है, क्या मशवरा कीजिए। जाने वालों ने जाने की अगर ठानी है तो उन्हें जाने दीजिए। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है, किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना यह भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो बोले, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कोई तो नाराज हो मेरी खामोशी से भी, कोई तो जिद करे मुझसे बात करने की। औरत को चांद तारों की नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत की जरूरत होती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें कभी समझ नहीं पाते। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी। वो अपने ही होते हैं जो बातों से ही मार देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमारा दिल किस बात से दुखता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बिना गलती के मिली हुई सजा मौत से भी बदतर लगती है। आपका मित्र गरीब है या अमीर है ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है या आपका साथ छोड़ देता है, सिर्फ यही मायने रखता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारी जिंदगी की सीख होती है। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार देना चाहिए जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझकर उधार दिया था। परिवार का महत्व हमें तब समझ में आता है जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। अभी सोचिए कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है। पैसे कमाने में कभी भी इतना बिजी मत हो जाना कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओ। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि कम से कम पता तो चले कि हमें कोई मनाने वाला भी है या नहीं है। आपकी जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो इसमें जरूर कुदरत का साइन है। सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, इसे खुला छोड़ दो, ये अपना बचाव खुद कर लेगा। जो तलाशता है उसे खूबी दिखेगी, और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमी ही दिखेगी। बिजी रहने से इंसान के आधे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। कमाल है, जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता, और जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपको इज्जत ना मिले वहां बिल्कुल भी रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो,
क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पे वार करते हैं। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के भी लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। बदलाव आना सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है या जब कोई जिंदगी से जाता है। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ये कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। जो इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है वो इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। कितना नादान है मेरा ये दिल, ये उनके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। किसी के लिए अगर हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं फालतू जरूर समझेंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं है जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वो होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते हैं। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, किसी की बातों से चोट न पहुंचे इतनी समझदारी रख। पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं है फिर भी जुबान अपनी प्यारी रख। कोई आपका सम्मान करता है इसीलिए चुप है, उसे डरपोक कभी मत समझना। जिंदगी में अगर कभी ठोकर लगे तो लौट कर मत आना, तुम्हें आजाद किया है माफ नहीं किया। वहां नाराज कभी मत होना जहां आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हो। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वो ही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे।